नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर 9 कैनाल्स एंड रेलवे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने कहां तक बात की थी, तो मैंने आपको हॉर्स पावर का मतलब समझाया था, जेम्स वॉट का जो स्टीम इंजन बनाने का प्रोसेस है, स्टीम पावर, कौन कौन सी मशीनें वगैरह बनी थी शुरुआत में, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी समझाई थी पिछली वीडियो में। उससे पहले इस चैप्टर में हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पहले की वीडियोज देख लीजिए तो ही आगे की वीडियोज आपको समझ में आएंगी। चलिए अब भाई, कैनाल्स और रेलवेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, लॉजिस्टिक्स में ये काम आती है। तो भैया कोयला पहुंचाना है शहरों में। अब ऐसा तो है नहीं कि शहर में जहां पे आपका इंडस्ट्री चल रही है वहां पे कोयला वहीं पे प्रेजेंट होगा। हो सकता है कोयला थोड़ा दूर दराज के इलाके में, थोड़े सबर्बन इलाके में, रूरल इलाके में, तो रूरल इलाकों में माइनिंग होगी, तो कैसे ना कैसे करके उस कोयले को लेके आना है शहरों तक। अब कोयला होता है भारी, बल्की होता है, वेट होता है कोयले में, तो उसको सड़कों से ले जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया गया, कैनाल्स खोदी गई, बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई यहाँ पे, क्योंकि सड़कों के कंपैरिजन में कैनाल से कोयला ले जा पाना कंपेरेटिवली बहुत आसान। और खास बात यह है कि जो कोयले की जरूरत थी वो केवल आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं थी, घर में लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज में कोयला ही इस्तेमाल हो रहा था। ठंडी है, अब इंग्लैंड में ठंडी पड़ती खतरनाक, तो हीटिंग के लिए भी कोयला इस्तेमाल हो रहा है, खाना बनाने के लिए भी कोयला इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हर जगह कोयला ही कोयला। तो इसीलिए कोयले को इंग्लैंड के हर हिस्से में पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसलिए आप देखो, पहली इंग्लिश कैनाल जिसका नाम था वॉर्सली कैनाल 1761 में बनाई गई जेम्स ब्रिंडले के द्वारा। जेम्स ब्रिंडले 1716 से लेकर 1772 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। तो वॉर्सले कैनाल 1761 में बनी, जेम्स ब्रिंडले जो कि 1716 से 1772 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, इन्होंने बनाई। काम क्या था इस कैनाल का, कि भाई कोल को कैरी करना है कहां पे, फ्रॉम द कोल डिपॉजिट्स एट वॉर्सले जो कि मैनचेस्टर के पास था, ओके, और उसको मैनचेस्टर शहर, तो बेसिकली वॉर्सले मैनचेस्टर के पास सबसे पास के कोल डिपॉजिट्स थे, तो वॉर्सले से मैनचेस्टर तक कोयले को पहुंचाना। तो कैनाल को बेसिकली इसीलिए बनाया गया, और जैसे ये कैनाल बनी मैनचेस्टर सिटी में कोयले के दाम आधे हो गए, 50% गिर गए, समझिए। ये जो कैनाल थी इनको बिग लैंड ओनर्स बनाते थे, यूजुअली बिग लैंड ओनर्स द्वारा ये कैनाल बनाई जाती थी, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माइंस, क्वेरीज और फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड्स। बेसिकली क्या था कि भाई माइंस हो गई, क्वेरीज हो गई, अब ओवरऑल इनमें से कोयला निकल रहा है, तो इस कोयले को जो कंजम्पशन मार्केट है वहां तक पहुंचाना है, तो एक कैनाल्स लॉजिस्टिक के एक बहुत एफिशिएंट मीडियम की तरह उभरी। ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका यूज हो रहा था, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में, सामान के ट्रांसपोर्टेशन में, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में, जो माइनिंग में लोग इन्वॉल्व थे वो भी पैसा कमा रहे थे, जो इंडस्ट्रीज में कोयला यूज कर रहे थे वो भी पैसा कमा रहे थे। और धीरे धीरे आप देखोगे इतनी कैनालें खोदी गई इंग्लैंड के अंदर कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल, बहुत सारे अलग अलग जो इंग्लैंड के हिस्से थे वो कहीं ना कहीं कैनालों के साथ जुड़े हुए थे। जो बर्मिंगम शहर था वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि बहुत सारे कैनाल सिस्टम्स आके बर्मिंगम में मिलते थे, ठीक है ना। बर्मिंगम लंदन से भी कनेक्टेड था थ्रू कैनाल, ब्रिस्टल चैनल से भी कनेक्टेड था, मर्से और हम्बर रिवर से भी कनेक्टेड था थ्रू कैनाल। 1760 से लेकर 1790 तक 25 नए कैनाल प्रोजेक्ट्स बनाए गए, और इस टाइम पीरियड को बोला गया कैनाल मानिया। कैनाल मानिया क्यों, क्योंकि भाई भर भर के पूरे इंग्लैंड को कैनाल से जोड़ा जा रहा था। 1788 से लेके 1796 के टाइम पीरियड में 46 नए प्रोजेक्ट्स बनाए गए। देखिए 1760 से लेके 1790 में 25 कैनाल प्रोजेक्ट बनाए गए, इसको बोला गया कैनाल मानिया। 1788 से 1796 में 46 नए प्रोजेक्ट्स, और अगले 60 सालों में 4000 मील की कैनाल इंग्लैंड के अंदर खोदी गई, मतलब पूरे इंग्लैंड के चप्पे चप्पे को कैनाल से जोड़ दो, ये इनका टारगेट था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स वगैरह की नोटिफिकेशन मिल जाती है, जो मैं एडिटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ और जो मैं करंट अफेयर डेली बनाता हूँ उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। चलिए अब जो पहला स्टीम लोकोमोटिव है स्टीफेंसन रॉकेट, ये बना 1800। अभी तक हमने कैनाल सिस्टम की बात की, अब हम स्टीम लोकोमोटिव की बात करते हैं। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन, रेल, और स्टीम लोकोमोटिव मतलब स्टीम की ताकत से चलने वाली रेल। तो भाई 1814 में पहला स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंसन रॉकेट आया। रेलवेज एक नया मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे उभर के आ रहा था, और एक ऐसा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो पूरे ईयर अवेलेबल है, क्योंकि वाटर में क्या था कि बिल्कुल सर्दियों के समय पे बहुत सी कैनाल जम जाती थी, तो वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता था इंग्लैंड के अंदर, बट रेलवेज के साथ ऐसा नहीं था, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल था, चीप भी था, तेज भी था। आज की डेट में भी अगर आप देखो दोस्तों, तो तीन
टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करो, आप रोड की, आप बात करो रेलवेज की, आप बात करो वाटरवेज की, तो जो सबसे इफेक्टिव, सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सबसे चीप है वो है वाटरवेज। उसके बाद आता है रेलवेज का नंबर, और सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला है रोडवेज। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वाटरवेज डेवलप हुई, उसके बाद रेलवेज को एज एन अल्टरनेटिव की तरह यहाँ पे बनाया गया। अब जब यहाँ पे रेलवेज बनाई गई, तो रेलवेज के थ्रू पैसेंजर्स और गुड्स को ट्रांसफर करना है। अब पहले तो यहाँ पे आयरन ट्रैक का इन्वेंशन किया गया। शुरू शुरू में एक वुडन ट्रैक से पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था रेलवे के लिए, बहुत सारे रेलवे लाइंस वुडन ट्रैक की बिछाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि क्या है ना कि देखिए, ये जो वुडन पटरे हैं उसके ऊपर आपने रेल लाइन बिछा दी, तो जो रेल की पटरी थी वो भी वुडन की थी पहले, इसको आयरन में कन्वर्ट किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आयरन ट्रैक का इस्तेमाल किया गया, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव की जाएगी, ठीक है। तो वुडन ट्रैक को 1760s में आयरन ट्रैक ने यहाँ पे रिप्लेस किया। दूसरा, ट्रेन को चलाने के लिए यहाँ पे स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया, तो स्टीम इंजन से ओवरऑल यहाँ पे ट्रेन चलाई जा रही थी। तो इन दो तरीकों से रेलवेज का डेवलपमेंट, लोकोमोटिव का डेवलपमेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ इंग्लैंड के अंदर। और ये जो इन्वेंशन ऑफ रेलवेज थे, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया इंग्लैंड के अंदर। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक, जो कि 1771 से 1833 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, इन्होंने एक इंजन डिवाइस किया था जिसका नाम था पफिंग डेवल। ये पफिंग डेवल क्या था, दैट पुल्ड ट्रक्स अराउंड द माइन वेयर ही वर्क्ड इन कॉर्नवॉल। तो ये जो पफिंग डेवल नाम का इंजन था, यह क्या करता था कि माइन के चारों तरफ ट्रक्स को खींचता था। ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर इंजन थे, इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रेरणा मिली लोकोमोटिव इंजन बनाने की। 1814 में जो रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टीफेंसन, 1781 से 1848 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, इन्होंने एक लोकोमोटिव बनाया जिसका नाम रखा द ब्लचर। ये जो ब्लचर था वो 30 टन वेट खींच सकता था एक हिल के ऊपर 4 मील प्रति आवर की स्पीड से। और आप देखोगे कि जो पहली रेलवे लाइन, पहली लोकोमोटिव लाइन बनाई गई, उसने स्टॉकटन के शहर को डार्लिंगटन के साथ कनेक्ट किया 1825 में। स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में 9 मील का फर्क है, और इस 9 मील के फर्क को 2 घंटे में पूरा किया जा रहा था, और जो चलने की स्पीड थी वो थी 24 किलोमीटर पर आवर, लगभग 15 मील पर आवर। ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, तभी स्टॉप्स होंगे बीच में, तभी 9 मील के डिस्टेंस को चलने में आप कह लो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी 2 घंटे लग रहे हैं। फिर अगली जो रेलवे लाइन बनी वो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में बनी 1830 में, और 20 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एवरेज रेलवे की स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही थी। एवरेज रेलवे की स्पीड 30 से 50 मील पर आवर पहुंच गई। तो तेजी से यहां पे रेलवे की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ। अब ये 1830-1840 के लगभग बहुत तेजी से रेलवे, 1820 के लगभग इंग्लैंड में रेलवे चल रही थी, पूरा इंग्लैंड रेलवे से कवर हो गया। और आपको याद होना चाहिए 1848 में एक इंडिविजुअल आया इंडिया के अंदर जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, गवर्नर जनरल बन के आया था 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी के समय पे इंडिया में रेलवेज बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया। इंग्लैंड के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इंडिया को ट्रेन से कनेक्ट किया। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इंडियंस फायदा उठा सके, इसलिए चूंकि इंडिया के अंदर का जो रॉ मटेरियल है उसको आराम तक पोर्ट पे पहुंचाया जा सके, पोर्ट से उनके रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड भेजा जा सके, इंग्लैंड के रेडीमेड प्रोडक्ट्स को पोर्ट से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सके, आर्मी की मूवमेंट एफिशिएंट तरीके से हो, इसलिए इंडिया में रेलवेज के डेवलपमेंट को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। लेकिन इस रेलवे ने इंडिया के हर पार्ट को एक दूसरे के बहुत पास कर दिया, लोगों के एसिमिलेशन को प्रमोट किया, लोगों के बीच में सोशल बॉन्डिंग को प्रमोट किया, और इससे एक नेशनलिस्टिक फीलिंग का उदय हुआ। रेलवेज की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, बट वो मैंने इंडियन हिस्ट्री से जोड़ दिया, यहाँ पे खैर अभी यूरोपियन और इंग्लैंड की हिस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देखी। फिर हम बात करते हैं किसकी, यूज ऑफ कैनाल्स। 1830s तक कैनाल्स के यूज से कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या होता था कि कैनाल बहुत पतली पतली थी कुछ स्ट्रेचेस में, तो अगर उन पतली स्ट्रेचेस में बहुत सारे वेसल्स आ गए तो एक प्रकार का ट्रैफिक जैम लग जाता था। प्लस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लैंड के अंदर ठंडी बहुत पड़ती थी, फ्रॉस्ट का समय है तो कैनाल जम जाएगी, तो फिर कैसे वेसल चलाओगे। फिर फ्लड और ड्रॉट भी आते थे, ड्रॉट के समय पर कैनाल सूख जाती थी, फ्लड के समय पर जरूरत से ज्यादा पानी है तो वेसल्स के ऊपर खतरा आ जाता था। तो इस हिसाब से जो ये मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था कैनाल का, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। ओके, तो रेलवे कैनाल के रिस्पेक्ट में एक ज्यादा कन्वीनियंट अल्टरनेटिव लगने लगा, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत मैटर करती है। ज्योग्राफी के हिसाब से वेदर इफेक्ट होता है, और इंग्लैंड का वेदर पूरे साल कैनाल के यूज को प्रमोट नहीं कर रहा था। तो कैनाल के अल्टरनेटिव की तरह यहां पे क्या आएगी, रेलवे आएगी।
अब आप देखोगे 1830 से लेके 1850 के बीच में 6000 मील और रेलवे बनाई गई ब्रिटेन के बीच में, दो शॉर्ट इंटरवल्स में बनाई गई। फिर आप देखोगे कि एक लिटिल रेलवे मानिया आया 1833 से लेके 1837 का। इस 1833 से 37 के टाइम पीरियड में 1400 मील रेल लाइन बनाई गई और उसके बाद एक बड़ा मानिया, बेसिकली मानिया एक टाइम पीरियड आप समझ सकते हो, 1830 से लेकर 1850 के बीच में 6000 माइल्स बनाई गई, जिसमें से अगर आप देखो तो 1833 से 37 में 1400 माइल्स और 1844 से 47 में 9500 मील ऑफ लाइन को सैंक्शन किया गया। ओवरऑल देखें तो 1830 से लेकर 1850 के बीच में 6000 मील्स ऑफ रेलवे लाइन्स ऑपरेशनल हो गई थी। मतलब एक बड़े स्केल पे रेलवे लाइन्स के प्रमोशन को, मतलब रेलवे लाइन्स के यूज को, आप कह लो कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया गया इंग्लैंड। अब इतने बड़े स्केल पे जब रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो भैया ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल और आयरन यहाँ पे इस्तेमाल होगा, बहुत हजारों की तादाद में वर्कर्स को यहाँ पे हायर किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे जब आप रेलवेज बना रहे हो तो आयरन का प्रोडक्शन, वुड का प्रोडक्शन, ओवरऑल लोकोमोटिव का प्रोडक्शन, स्टीम इंजन का प्रोडक्शन, तो पीछे की जो एंसिलरी इंडस्ट्री है जिसमें सारा का सारा धंधा चल रहा है, बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक मैसिव इकोनॉमिक बूस्ट लगे, क्योंकि ये एक प्रकार का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी किसी इकोनॉमी में बनाया जाता है तो उस इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता ही मिलता है। अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट जो पूरा इंग्लैंड था वो रेलवे से कनेक्ट हो चुका था, कब तक, 1850 तक। हम यहां पे देखते हैं हु वर द इन्वेंटर्स, ये जो इन्वेंशन हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर इसको इन्वेंट कर कौन रहा था। तो अब इन इंडिविजुअल्स के बारे में बात होगी जो कि यहाँ पे इन्वेंशन वगैरह करके बैठे थे, लेट्स सी इनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फो हम लोग लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेन्ड साइंटिस्ट कम थे, जो बेसिक साइंसेस की जो एजुकेशन थी ना, जैसे फिजिक्स की पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, आज फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, केमिस्ट्री की जो बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट की नॉलेज, ये जो ओवरऑल डीप फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना 12वीं कक्षा में, ओवरऑल ये आईआईटी में एंट्री मारने के लिए, इस प्रकार की नॉलेज नहीं थी उस समय पे यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तब भी इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर डेवलप कर रहा था, लेकिन नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं थी। बेसिकली अगर आप देखो लेट 19th सेंचुरी तक आते आते फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को ये लोग खंगालने लगे, ठीक है ना, इसको ओवरऑल तोड़ तोड़ के पढ़ने लगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की डीप नॉलेज ना होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस चल रहे थे इंग्लैंड के अंदर। तो ये कौन से बेसिस पे चल रहे थे, यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि फुल लॉज ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का पता होना जरूरी नहीं है, एक बेसिक इंट्यूशन से, परसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट से, और ओवरऑल आप एक कह सकते हो पैशनेट माइंड से चीजें की जा सकती थी, और यूरोपियंस ने, इंग्लैंड वालों ने ऐसा किया। ब्रिलियंट इंट्यूटिव थिंकर्स थे यहाँ पे, परसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटर्स थे, ठीक है ना। फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंग्लैंड में एक चीज एक्स्ट्रा थी, इंग्लैंड में डजन्स में साइंटिफिक जर्नल्स छपते थे, साइंटिफिक सोसाइटीज के पेपर्स पब्लिश होते थे, और इन साइंटिफिक सोसाइटीज के पेपर्स में, जर्नल्स में कुछ साइंस के रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इंग्लैंड में बाकी यूरोप के कंपेरिजन में ज्यादा थी। 1760 से लेकर 1800 के बीच में डजन्स ऑफ, कह सकते हो दर्जनों साइंटिफिक जर्नल्स और पेपर साइंटिफिक सोसाइटी के पब्लिश हुए, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नॉलेज के लिए एक भूख थी, एक प्यास थी कि हाँ भाई हमें नॉलेज सीखनी है। जो स्मॉलर टाइम्स के लोग थे वो भी नॉलेज सीखना चाहते थे, भले वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की डीप नॉलेज ना हो, बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज थी जो कि ग्राउंड लेवल पे उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मजबूर कर रही थी, मतलब प्रेरित कर रही थी, और एक्सपेरिमेंट में उनको सक्सेस भी मिल रही थी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन का लोकोमोटिव इंजन बना रहे हो या फिर लोकोमोटिव डब्बा बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है डब्बा एक तरफ से भारी होगा तो उस तरफ गिर जाएगा, तो बीच में उसको बैलेंस करो। अब इसके लिए बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स का भले ना पता हो, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस है कि हाँ भाई डब्बे का बेस कुछ इस प्रकार से सेटअप करो कि वो दोनों तरफ से बैलेंस हो तो स्पीड पे भी ना गिरे। तो इस पर्टिकुलर नॉलेज की स्पीड, कॉमन सेंस, इंट्यूटिव थिंकिंग से यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर साइंस का डेवलपमेंट हुआ, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए। फिर आप देखोगे सोसाइटी ऑफ आर्ट्स जो कि 1754 में बनाई गई थी, बहुत सारे लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते थे कॉफी हाउसेज में, 18th शताब्दी में बैठ के साइंटिफिक डिस्कशंस होते थे, तो एक प्रकार का एक आप कह सकते हो ऐसा इकोसिस्टम बन गया था इंग्लैंड के अंदर जो कि कहीं ना कहीं इनोवेशन को प्रमोट कर रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा था। और ये जो इनोवेशन थे ये डिटर्मिनेशन की वजह से थे, इंटरेस्ट की वजह से थे, क्यूरोसिटी की वजह से थे, कभी कभी लक काम कर जाता था। साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन, साइंटिफिक नॉलेज बहुत डीप नहीं थी बट उसका एप्लीकेशन जबरदस्त था, कॉमन सेंस जबरदस्त था। कॉटन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टर्स थे जैसे कि जॉन के और जेम्स हार्ग्रीव्स, ये वीविंग और कार्पेंट्री के बारे में बेसिक इन्फो जानते थे,
रिचर्ड आर्कराइट जो था वो बार्बर था, विग मेकर था। सैमुअल जो क्रॉम्पटन था वो उतना टेक्निकल स्किल्ड नहीं था, और एडमंड कार्टराइट था, इसको लिटरेचर, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी, लेकिन ये पहले क्लर्जीमैन मतलब चर्च में काम करना चाहता था, मैकेनिक्स की बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, बट इन सारे ही दिग्गजों ने अपने अपने फील्ड में कुछ किया है। तो ऐसा नहीं था कि ये साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपने फील्ड में मास्टर थे। हाँ, अपनी फील्ड की इनको बेसिक नॉलेज थी, लेकिन इनके अंदर एक जुनून था, एक पैशन था, और टैलेंट तो देखो था ही, बिना टैलेंट के आप चीजें नहीं कर सकते। ओके, स्टीम इंजन के एरिया में बात की जाए तो थॉमस सेवरी नाम का एक आर्मी ऑफिसर था, थॉमस न्यूकॉमन नाम का ब्लैक स्मिथ था, लॉक स्मिथ था, जेम्स वॉन्ट इसकी एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बेंट था। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने फील्ड में काम कर रहे थे, अपने फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज थी इनको, कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने अपने फील्ड से बिल्कुल अलग हटके यहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशन किया। तो बेसिकली साइंटिफिक इनोवेशन के लिए बहुत डीप साइंटिफिक नॉलेज इन इंग्लैंड के लोगों को नहीं थी, बट अपने कॉमन सेंस, क्यूरोसिटी, इंट्यूटिव थिंकिंग, पैशन और हार्डवर्क के चलते ये इन्वेंशन करते हैं। ओके, ये यहाँ पे फिर जो कैनाल बिल्डर है यहाँ पे जेम्स ब्रिंडले, इसको बिल्कुल ही इलिटरेट बताया गया। उसको नेविगेशन की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, बट उसकी मेमोरी ताकत बहुत जबरदस्त थी, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन जबरदस्त था, और उसके बेसिस पर सक्सेसफुल हुआ। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं चेंज लाइफ्स। देखिए, इन सालों में यह पता चला कि जो इंडिविजुअल्स टैलेंटेड हैं, भले उनके पास बहुत डीप साइंटिफिक नॉलेज ना हो, वो तब भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन ज्ञान वाले लोगों ने कुछ मतलब तीर फाड़ा, इनको हेल्प भी मिली है पीछे से। जो रिच इंडिविजुअल्स थे, जिनके पास पैसा था, जो एंटरप्राइजिंग तरीके से सोचते थे, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज में, ये सोच के कि जब ये इंडस्ट्रीज चलेंगी वो प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट से जो उनका पैसा है वो मल्टीप्लाई होगा, और उनका पैसा मल्टीप्लाई भी हुआ। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आए, उनकी दौलत मल्टीप्लाई हुई। ये दौलत गुड्स के फॉर्म्स में, इनकम्स के फॉर्म में, सर्विसेज, नॉलेज, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, हर फॉर्म में बढ़ी। पैसा भी कमाया, साइंटिफिक इनोवेशन भी यहाँ पे हो रहा था, तो साइंटिस्ट और कैपिटलिस्ट क्लास ये फल फूल रही थी। लेकिन एक क्लास यहाँ पे सफर कर रही थी, और वो थी आम आदमी की क्लास। इसके ऊपर एक मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट आई गई। इस मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दिस आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा हो। मैं लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास अगर कुछ सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प।